ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार ये चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल उसके साथ गहराते जा रहे हैं कि इन आरोपों को लेकर क्या किया जाए। हाँ, हुकुम सिंह भाटी, क्या मुख्यमंत्री को यह बयान देना चाहिए था पूर्व सीएम को लेकर कि उन्हें जेल की सलाखें दिख रही हैं? वरुण जी, देखिए, मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं, और प्रदेश में कोई भी बड़ा घटनाक्रम जब भी होता है, आप इससे छोड़िए, आप दूसरे भी बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं, कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है, तब भी जो है, क्योंकि पत्रकार वार्ता होती है या पत्रकार पूछते हैं, तो उन सवालों का जवाब हमेशा से पहले भी देते आए हैं, आज भी मुख्यमंत्री उनका जवाब दे रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ ये एलिगेशन है, और FIR दर्ज हुई है, बहुत बड़ी घटना है प्रदेश की और देश के लिए, इसलिए बोलना स्वाभाविक है, ये कोई दुर्भावना नहीं है। कांग्रेस अगर इसको दुर्भावना कहती है तो बहुत ही ये निंदनीय बात है। और दूसरी बात, हम तो कांग्रेस को कहते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप अपने आज कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान आ रहा है, मैं तो ये परख रहा हूं मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। अरे, तुमने ऐसा काम किया क्यों कि जो तुम्हें परखने की आवश्यकता पड़ी कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है? इसका मतलब अपना पराया तुम पहले से कर रहे थे, आज उनका बयान आया है। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये सारी कांग्रेस की बौखलाहट को दिखा रही हैं, और खुद कांग्रेस बौखलाहट में तरह तरह के बयान दे रही है। और इसी के तहत जो ये बहुत ही ठीक लगता है कि भाई, मान लिया राम सिंह बराड़ जी की बात को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं, वो कहते हैं भाई बहुत सारे इनके खिलाफ एलिगेशन है, बिल्कुल आज कोई ये जांच बंद नहीं हुई है, कोई भी पूरे इनके टेन्यूअर में, जो 10 साल का ये पिछला टेन्यूअर रहा, इसमें कहीं भी कोई किसी तरह की अनियमितता है, गैर कानूनी काम हुआ है, गलत काम हुआ है, उस सब की जांच इस जांच में शामिल है। दूसरी बात वरुण जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट ये भी बताना चाहता हूं, और राम सिंह बराड़ जी ने भी कहा कि इन्होंने एक भी सेक्टर जनहित में एक्वायर नहीं किया, इन्होंने एक्वायर किया और प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया, ये तो पूरा प्रदेश जानता है, एक भी सेक्टर इन्होंने जनहित में किसी को एक्वायर करके एक भी प्लॉट नहीं काटा। चलिए, गहेंद्र रखिए अपनी बात। देखिए वरुण जी, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इनेलो और भारतीय जनता पार्टी, इनका गठबंधन आपस में हो चुका है। इनेलो के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं 2005 से मैं शिकायत कर रहा था, चार्जशीट दे रहा था, वर्तमान चीफ मिनिस्टर को भी दी, आज के चीफ मिनिस्टर को भी दी। सबसे पहले इनकी नीयत पर सवाल खड़ा होता है। अगर आपके पास प्रूफ थे, आपके पास एविडेंस थे, तो आप कोर्ट में जाते, पुलिस में जाते, सीबीआई में जाते। आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को क्यों दे रहे हो? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर है कि वो उन पर केस रजिस्टर करे? आप लोगों की ये तय गेम है, फिक्स मैच चल रहा है, कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और इन लोग दोनों शामिल है। क्योंकि 2005 से पहले जब इनकी सरकार थी, दोनों अलायंस पार्टनर थे, इनकी सरकार में तमाम घोटाले हुए, इनकी सरकार के तमाम लोगों पर आरोप लगे, इन लोगों के दो बड़े नेता आज भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल वालों को तो कम से कम करप्शन में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी सहभागी चलिए चलिए बराड़ साहब रखिए बात, चलिए बराड़ साहब ठीक है जांच का सामना करने ये बात हो चुकी, भारद्वाज जी बार बार बात को दोहराइए नहीं। बराड़ साहब रखिए अपनी बात संक्षेप में। ऐसा भारद्वाज जी जो बात कह रहे थे, 10 साल तक प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह इनकी सरकार थी, इन्होंने सीबीआई का, इनकम टैक्स का, कोई एजेंसी नहीं छोड़ी जिससे इन्होंने कई कई बार जांचें ना करवाई हो। अरे भाई, तुमने तो सारी जांचें करवा ली, तुम दुर्भावना से काम करते थे, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आज भी दुर्भावना नजर आती है। तुमने हर एजेंसी से जांच करवा ली, हर मामले की जांच करवा ली। अरे भाई, हमारे कोई जो आरोप है उनकी जांच तो होने दो। आप आरोप, अभी जांच शुरू नहीं हुई, उससे पहले इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। जो कह रहे हैं मिली भगत की बात, मिली भगत किसकी थी? प्रदेश में आपकी थी या उनकी थी? ये सारा कोई जानता है, हर कोई जानता है कि किसने किस किस के कहने पे, हुडा ने अपनी सरकार में किस किस को क्या क्या फायदे पहुंचाए हैं। ये जो बाकी भी आज बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं वरुण जी, वो इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि हुडा के घोटालों में वो भी शामिल रहे हैं, और वो घोटाले जैसे उजागर होंगे उनकी भी परतें खुलेंगी, उन्होंने भी अरबों रुपए कमाए हैं, तो जब घोटालों की परतें खुलेंगी तो सब पे आंच आएगी। तो आज तो पानी है जो घोटाले की है। हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया, हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया, गवर्नर प्रदेश के इंस्टीट्यूशनल हेड है, वही जांच करवा सकते हैं, और वही की वही जांच जो है वो किसी एजेंसी से करा। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच मांगी है कि उनका कमीशन बना दो। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी भरोसा नहीं है,
जो जिन एजेंसियों के आप काम करवाते रहे हो उन पे भी आपका भरोसा नहीं है, तो फिर आप किससे जांच करवाओगे? टाइम में जांच नहीं करवाई, माफी चाहता हूं, मेरे पास वक्त की कमी है, सामना करने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बराड़ साहब, आपकी बात यहां पर पहुंची। अब जो मुख्य विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि हम लगातार बता रहे हैं, वो चार्जशीट दे रहा है, वो बता रहा है कि कितने गंभीर आरोप हैं, आरोप जितने गंभीर हैं क्या सरकार उतनी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं। सरकार कह रही है कि आरोप बिल्कुल जायज है, इसलिए ऐसे बयान तो आएंगे ही। कुल मिलाकर सवाल ये है कि जितने गंभीर आरोप हैं क्या उस हिसाब से जांच आगे बढ़ रही है, और क्या ये जो सवाल है कि इसी कार्यकाल में जांच पूरी हो जाएगी, नतीजे निकलकर सामने आ जाएंगे? क्योंकि जो बात कांग्रेस कह रही है उसमें जरा सा ट्विस्ट ये है कि अगर इतना कुछ हरियाणा में हुआ है तो उसके बाद जांच से दिक्कत क्या है, और जांच जब शुरू हुई है तो फिर उसमें ये द्वेष वाली बात कहां से आती है? आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।